हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आइए आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ्स प्रश्नावली 1.4 का हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। ओके, तो इसे हम लोग बिल्कुल ही अच्छे से अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ इस चैप्टर को 1.4 को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ओके, इसके बाद आपको कोई परेशानी नहीं होगा इस टाइप के क्वेश्चन सोल्व करने में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, बिना लिखा हुआ क्वेश्चन में, ये हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 1.4 का। ओके, लिखा हुआ है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के, यहाँ क्या लिखा हुआ है, परिमेय संख्याओं के, बहुत ही यहाँ पे हाईलाइट में से कर देता हूँ। परिमेय संख्याओं क्यों हाईलाइट कर रहा हूँ मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। तो निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति, ये आपको बताना है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना। ओके, अब यहाँ देखिए परिमेय संख्याओं को मैंने क्यों हाईलाइट किया है। तो आइए अभी हम क्वेश्चन सोल्व नहीं करेंगे, पहले हम लोग बेसिक हम आपको बता देंगे, आप क्वेश्चन खुद ब खुद आप सोल्व कर लोगे, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन आपको बताऊंगा, मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन पहले मैं पूरा का पूरा बेसिक दे दूंगा। यहाँ पे बोल रहा है परिमेय संख्याओं के। ओके, परिमेय संख्या जैसे ही बोलते हैं तो आपके माइंड में क्या आता है भाई, कि वो संख्या पी बटे क्यू के रूप में लिखा हुआ होगा। ओके, पी बटे क्यू के रूप में लिखा हुआ होगा, जहाँ क्यू जो है क्या होगा, जीरो के बराबर नहीं होगा, और एच सी एफ जो होगा, पी और क्यू का जो एच सी एफ होगा वो क्या होगा भाई, वन होगा, एक होगा। जैसे ही परिमेय संख्या की बात आती है तो आपके माइंड में यही आपको जो है कॉन्सेप्ट आता होगा कि क्यू जो है नॉट इक्वल टू जीरो होगा, और पी और क्यू का एच सी एफ जो होगा महत्तम समापवर्तक वो हमेशा वन होगा। क्योंकि अगर वो एच सी एफ वन नहीं होगा पी और क्यू का, तो हम उससे परिमेय संख्या नहीं कह सकते हैं। ओके, ये क्या है, भिन्न पी बटे क्यू, इसका जो है एच सी एफ क्या होगा, हमेशा वन होगा, यानी कि यह एक सहउभाज्य संख्या होगा। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं ले रहा हूँ एग्जांपल के लिए, अब बताना परिमेय संख्या कौन सा यहाँ पे है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 6 और 4, अब बताना ये परिमेय संख्या है या नहीं, 6/4 परिमेय संख्या है या नहीं। तो इसका हम एच सी एफ निकालते हैं, आइए इसका एच सी एफ निकालते हैं, 4 इकाई 4। ओके, तो ये हो गया 2, फिर यहाँ 4 आएगा, 2 दूनी 4। तो अब यहाँ पर देखिए इसका एच सी एफ क्या आया है बताइए तो हमें, एच सी एफ इसका आया है 2। तो इसका एच सी एफ आना क्या चाहिए था, 1 आना चाहिए था। तो क्या ये पी बटे क्यू के रूप में 6/4 है या नहीं, तो हम कहेंगे नहीं। क्यों भाई, क्योंकि क्यू नॉट इक्वल टू जीरो तो है, लेकिन दूसरा शर्त जो है वो कंप्लीट नहीं हो पा रहा है कि एच सी एफ 1 आना चाहिए, तो 1 आ नहीं रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अब लेते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, हम लोग लेते हैं 3/2, नेक्स्ट एग्जाम्पल हमने लिया, ठीक है। अब हम इसे चेक करेंगे परिमेय संख्या है या नहीं, तो इसका हम एच सी एफ निकाल लेते हैं। तो छोटा संख्या को बड़ा संख्या हम क्या करते हैं, भाग देते हैं। तो 2 इकाई 2, फिर 1 आया, फिर ये 2 को यहाँ उतारेंगे, 1 दूनी 2। अब बताइए इसका एच सी एफ क्या आया, तो इसका एच सी एफ आया आपका 1 आया। यहाँ पर देखिए 1 से कटा है लास्ट में, जो कि 0 आया है 1 से कटने पर, तो एच सी एफ 1 हो गया। तो अब हम कहेंगे कि 3/2 जो है ये एक परिमेय संख्या है, इसमें भी क्यू नॉट इक्वल टू 0 है, इसमें भी क्यू नॉट इक्वल टू 0 है, लेकिन अंतर क्या है दोनों में, कि एच सी एफ इसका 1 नहीं आया है और इसका एच सी एफ 1 आया है, तो ये एक परिमेय संख्या के रूप का है, ठीक है। आप समझ गए होंगे परिमेय संख्या अच्छी तरह। इसी प्रकार जितने भी क्वेश्चंस आपको भिन्न के रूप में दिए हुए हैं, पी बटे क्यू के रूप में दिए हुए हैं, इसका अगर ये परिमेय संख्या है तो ये इसका जो एच सी एफ है वो 1 होगा ही होगा। अगर इसका एच सी एफ 1 नहीं आ रहा है तो वो परिमेय संख्या नहीं है, और उसे हम नहीं बता सकते हैं वो शांत है या अशांत। इसीलिए जितना हो सकेगा अगर ये कटेगा तो हम काटेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है, आपको बोल रहा हूँ कि इसे आप चेक करो कि ये एक परिमेय संख्या है या नहीं, ठीक है, चेक करने के लिए मैं आपको बोल रहा हूँ। तो आप क्या करोगे, इसका गुणनखंड निकालोगे, अभाज्य गुणनखंड, 8 का हम क्या करेंगे, हर का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, ठीक है। 2 2 चौके 8, 2 2 4, 2 इकाई 2, ओके हो गया। अब देखिए ऊपर क्या है 6, नीचे क्या है 2 गुना 2 गुना 2, ओके। अब भी यहाँ पर देखिए इस 6 को क्या लिख सकते हैं, 3 दूनी 6 लिख सकते हैं, 3 दूनी 6, और नीचे क्या है 2 गुना 2 गुना 2। अब यहाँ से ये देखिए ये दो कैंसिल हो गया, अब 3/ क्या हो गया, 2 गुना 2, ओके इस प्रकार हो गया। ओके, तो इस प्रकार मेरा कहने का मतलब है कि अगर ये कट रहा है तो आपको काटना है, अगर इसका एच सी एफ निकालोगे तो देखना ये इसका एच सी एफ कभी 1 आएगा ही नहीं आएगा, ये परिमेय संख्या नहीं है। लेकिन अब क्या है, ये 3/4 हो गया, ये देखिए 3/4 हो गया ना कटने पर, अब ये परिमेय संख्या होगा, क्योंकि इसका एच सी एफ क्या आएगा, 1 आएगा ही आएगा। यानी कि मेरा कहने का अर्थात मतलब है
कि अगर भिन्न है, अगर वो कट रहा है तो आपको काटना है, तभी एक परिमेय संख्या होगा और तभी आप उसको शांत अशांत सोल्व कर पाओगे। ठीक है, तो ये बेसिक बातें हैं। चलिए अब हम मेन कॉन्सेप्ट पे आते हैं। अब यहां पे हम आते हैं शांत और अशांत किसे कहेंगे। ठीक है, तो शांत, शांत होने का शर्त, शांत होने का शर्त, शर्त क्या है, अगर अगर यानी यदि अगर हर भिन्न जो होता है एक ऊपर होता है संख्या, एक नीचे होता है। ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, अंश बोलते हैं, आप लोग जानते हैं अंश बोलते हैं, और नीचे वाली संख्या को क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अगर हर का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड, गुणनखंड क्या है भाई, 2 पर पावर m, यानी 2 पर कोई पावर कुछ होगा और 5 पर पावर कुछ होगा, मान लेते हैं n पावर, अगर इसके रूप का है, अगर गुणनखंड इसके रूप, अभाज्य गुणनखंड इसके रूप का है, रूप के हैं, के रूप रूप में है, तो हम शांत कहेंगे। तो वो क्या है, परिमेय संख्या शांत है, ये हम कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे इसे, हम शांत कहेंगे। ओके, शांत कहेंगे, गॉट इट, ये समझ में आ गई। अब यहाँ पे आकर के पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं होता है, क्योंकि अगर एक भिन्न हम लेते हैं कि मान लो कोई यहाँ पे भिन्न दिया हुआ है, ठीक है, मान लो दिया हुआ है 3 upon 2 per power 3 दिया हुआ है, गुना 2 5 per power 4 दिया हुआ है, तो आप क्या कहोगे भाई, ये एक शांत है क्योंकि पी वटे क्यू के रूप में, अच्छी बात है, आपका कहना बिल्कुल सही है भाई, ये पी वटे क्यू, ये 2 per power m into 5 per power n के रूप में इसका जो है हर यहाँ पे लिखा हुआ है, तो हम इसे शांत कह सकते हैं, बिल्कुल सही बात आपका। लेकिन अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखने वाली बात है भाई, अगर एक और भिन्न हम लेते हैं, मान लो 5 बटा, ये दूसरा भिन्न ले रहे हैं, ठीक है, 5 बटा 2 per power 3 लेते हैं, ओके, और आपको बताना है ये शांत है या नहीं, तो आप कहोगे भाई ये तो 2 per power m into 5 per power n के रूप में नहीं है, तो ये शांत तो नहीं होगा सर, लेकिन मैं कहूँगा ये शांत है। वो कैसे है, अब ये कॉन्सेप्ट समझिए। ओके, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे किसी भी संख्या को 1 से मल्टीप्लाई करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप लोग जानते हैं, तो इसको हम 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो इस पर कोई फर्क आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा है। अगर हम 5 upon 2 power 3 इंटू, आप एक कॉन्सेप्ट जानते होंगे, अगर x पर पावर 0 है तो इसका मान क्या होता है, 1 होता है, 5 पर पावर 0 है तो इसका मान क्या होता है, 1 होता है, 10 पर पावर 0 है तो इसका मान क्या होता है, 1 होता है, यानी कि कोई भी वेरिएबल हो या फिर कोई भी कॉन्स्टेंट हो उस पर पावर 0 है तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है। 1000 पे पावर 0 है, 10000 पे पावर 0 है, तो इसका मान क्या हो गया भाई, 1 हो गया। ओके, इस प्रकार आप कॉन्सेप्ट जानते होंगे, तो ये 1 को हम 5 पर पावर 0 लिख सकते हैं क्या, 1 को 5 पर पावर 0 लिख देंगे तो कोई परेशानी तो नहीं है। अब देखिए क्या ये इस फॉर्म में ये हमारा बन चुका है ना, यानी कि जरूरी नहीं है कि 2 पर पावर m हो और 5 पर पावर n भी हो, यानी कि 2 पर पावर m है और 5 पर पावर n नहीं है तो भी ये एक क्या होगा, शांत होगा। अगर 5 पर पावर n है और 2 पर पावर m नहीं है तब भी ये शांत होगा। ओके, यानी कि अब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए अब और एग्जांपल लेके समझते हैं। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, 7 upon 5 per power 3। अब ये बताओ शांत है या नहीं, आप बोलोगे बिल्कुल शांत है क्योंकि आप कॉन्सेप्ट जान चुके हो ना, क्योंकि इसको हम इंटू 1 लिख सकते हैं, पता है आपको, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं 7 upon 5 per power 3। अब 1 को हम 2 per power 0 भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, 1 को हम 2 per power 0 लिख दे, कोई भी संख्या पे पावर 0 दे देंगे इसका मान 1 हो जाता है। तो इस प्रकार हमें 2 की जरूरत है भाई, क्योंकि इस फॉर्म में हमको लाना है, इस फॉर्म में हमको लाना है, तो यहाँ पे 5 था तो हम 2 ले लिए। ठीक है, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये हमारा जो है 2 per power m गुना 5 per power n के रूप का है, तो ये क्या हो गया भाई, शांत हमारा ये परिमेय संख्या हो गया। क्लियर कॉन्सेप्ट, तो अब आप जान चुके हो शांत होने का शर्त, आप जान चुके हो। अब अशांत के, अशांत कैसे आप जानोगे ये अशांत है, अगर दिया हुआ परिमेय संख्या 2 पर पावर m इंटू 5 पर पावर n के रूप में नहीं है तो उसे आप अशांत कहना। सो देखिए यहाँ पे मैंने क्लियर लिख दिया है कि यदि दिया गया परिमेय संख्या 2 पर पावर m इंटू 5 पर पावर n के रूप का नहीं है तो उस संख्या को हम अशांत आवर्ती कहेंगे। ओके, क्लियर बात। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चन ले लेता हूँ एग्जाम्पल के लिए। अब बताना 31 बटा 7 into 11 into 3, क्या ये इसके रूप का है, कहीं भी 2 आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। ओके, और एग्जांपल ले लेते हैं, बताना आप 37 अपॉन
टू पर टू नहीं लेते हैं, हम ले लेते हैं 21 पर पावर 2 इंटू 10 ले लेते हैं 11 पर पावर 3। अब ये बताना ये आसान था या नहीं, आसान था क्योंकि एक भी नहीं है, टू पर ना तो 2 पर पावर है ना तो 5 पर पावर है। ओके ओके, अब यहाँ पर देखिए एक और कॉन्सेप्ट आपको मैं देता हूँ, शांत और आसान तो समझ गया ना, अब दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है वो आप समझिएगा, तीसरा, दूसरा तो हो चुका है ना, अब तीसरा कॉन्सेप्ट पे आते हैं, उसे हम लोग कहते हैं अशांत आवर्ती, नहीं कहेंगे अशांत अनावर्ती कहेंगे, अनावर्ती। अब अशांत आवर्ती और अशांत अनावर्ती में क्या अंतर है सर, तो अंतर हम बताते हैं आपको एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। अशांत अनावर्ती किसको कहेंगे, अगर आपका दिया गया परिमेय संख्या, मान लेते हैं हम दिया गया परिमेय संख्या है आपका 9 upon 2 power 3 गुना गुना 3 power 2। ओके, अब ये बताओ ये शांत है या अशांत आवर्ती है या फिर अशांत अनावर्ती है, अनावर्ती है बताओ। तो अब ये कहोगे आप कि ये एक अशांत आवर्ती है, आप तो यही कहोगे, यहाँ पे देखिए अशांत आवर्ती नहीं होगा, ये अशांत अनावर्ती होगा। क्यों, क्योंकि इसमें एक तो यहाँ पे हमको दिख रहा है जो कि 2 power 3 है, क्या है 2 power 3 है, यानी कि ये इसके फॉर्म में कुछ ना कुछ मिल रहा है, तो इसे हम अशांत आवर्ती नहीं कहेंगे, अशांत अनावर्ती कहेंगे। क्लियर कॉन्सेप्ट, तीन ही चीज आपको रखना है यार, अशांत अनावर्ती, इसमें तीन ही चीज होता है, एक शांत होता है, एक अशांत आवर्ती होता है, एक अशांत अनावर्ती होता है। अगर एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं 11 upon 5 power 6 ओके गुना 2 नहीं लेते हैं, ले लेते हैं हम 6 power 4 ओके। अब ये बताओ ये शांत आवर्ती, ये अशांत आवर्ती है या फिर अशांत अनावर्ती है, तो आप कहोगे क्या ये एक अशांत अनावर्ती है। क्यों, क्योंकि इसमें एक तो ऐसा अंक है जिसपे की पावर जो है इस वाले फॉर्म में दिया हुआ है, यानी कि 5 power कुछ संख्या है दिया हुआ, यानी कि ये एक अशांत आवर्ती नहीं कहेंगे, इसे हम अशांत अनावर्ती कहेंगे, अशांत अनावर्ती कहेंगे, क्योंकि इसमें इस फॉर्म के अलावा भी यहाँ पे अंक है, लेकिन इस फॉर्म का भी तो है, तो इस फॉर्म का भी रहेगा और इसके अलावा भी रहेगा कोई अंक, तो उसे हम अशांत आवर्ती नहीं कहेंगे, अशांत अनावर्ती कहेंगे। अब आइए आते हैं क्वेश्चन पे, अब आपको बेसिक क्लियर हो गया होगा। ओके, अब सारा क्वेश्चन आप खुद ही सॉल्व कर लोगे, तो आइए क्वेश्चन एक एक करके देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास था 13/3125, तो हम क्या करेंगे हर का क्या करेंगे अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो आइए हम यहाँ पे हर का क्या करते हैं साइड में अभाज्य गुणनखंड करते हैं, 3125 का हम लोग यहाँ पे एलसीएम निकालते हैं जिससे अभाज्य गुणनखंड हमारा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए 5 से ये लग रहा है तो 625, फिर ये 5 से लग रहा है 125 बार में कटेगा, फिर ये 5 से लग रहा है ये 25 मरत में कटेगा, फिर ये 5 से लग रहा है 5 मरत में कटेगा, फिर ये 5 से लग रहा है, यानी तब तक काटना है जब तक कि बन ना आ जाए, इस प्रकार ये कट चुका है। ठीक है, अब हम यहाँ पर लिखेंगे हर का गुणन अभाज्य गुणनखंड करने पर अब जो जो आया है यहाँ पे लिखेंगे, तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर किसका गुणनखंड किए हर का, हर क्या है हमारा 3125, तो इसका गुणनखंड किए तो क्या क्या आया हमारे पास 5 power कितना आया है 1 2 3 4 5, यानी 5 power 5 आया है। तो अब हमें बताओ क्या ये जो दिया हुआ है हर का ये क्या 2 power m इंटू 5 power n के रूप का है या नहीं, आपको बताना है। तो आप कहोगे है, ओके क्यों, क्योंकि आप कॉन्सेप्ट जान चुके हो भाई, कॉन्सेप्ट क्या है देखो 13/5 power 5 लिख सकते हैं इसको, इसको हम 1 यहाँ पे लिख सकते हैं, ओके 1 लिख सकते हैं इस तरह। अब हम इसे 13/5 power 5 इंटू 2 power 0 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 को हम किसी भी संख्या पे 0 दे देंगे तो वो 1 ही कहलाता है, तो हमें 2 की ज़रूरत है क्योंकि हमें इस फॉर्म में लाना है, तो मैंने यहाँ पे 2 ले लिया। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं यहाँ पे लिखेंगे हर का गुणनखंड करने पर यह 2 power m इंटू 2 power n का रूप का है, अतः 13/3125 क्या है शांत है। तो यहाँ पे आपको क्लियर लिख देना है कि हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर यह 2 power m इंटू 5 power n के रूप का है, अतः यह 13/3150 क्या होगा 3125 क्या होगा शांत होगा। तो यही हो गया आपका आंसर। ओके चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या था 17/8, तो हम यहाँ पर लिखेंगे हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर, हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर अभाज्य गुणनखंड, अब देखिए वीडियो लंबा हुआ है लेकिन हम आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पे नहीं आए,
पहले हम आपको बेसिक दे देंगे, आप खुद ब खुद आप समझ गए होंगे कि इससे पहले हम लोग क्यों नहीं समझ पा रहे थे। ठीक है, तो हम बहुत ही अच्छे से हम समझाने की कोशिश किए, आपको टाइम भले आपका लगा है ठीक है, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट जानना है। ओके, तो हम हर का क्या करेंगे यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं, यानी कि एलसीएम निकाल लेते हैं। तो दो चौके आठ, दो दूनी चार, फिर दो इकाई दो, तब तक काटना है जब तक कि एक ना आ जाए। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे कि हर का गुणनखंड करने पर क्या आया है भाई, हर क्या था हमारा आठ था, क्या आया है 2 पावर 3 आया है। ओके, तो अब हम बताओ कि ये क्या हमारा 2 पावर m × 5 पावर n के रूप का है, तो आप बोलोगे हाँ है, क्योंकि आप जान चुके हो अगर हम इसे कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे 2 पावर m और 5 पावर n से, हम यहाँ पे क्या करते हैं, तुलना करते हैं, यहाँ पे लिख सकते हो इस तरह, तुलना करने पर। तो अब ये क्या हो जाएगा, 17/2 पावर 3। ओके, ऐसे हम 1 लिख सकते हैं, इस तरह 1 से मल्टीप्लाई करने पर कोई फर्क पड़ेगा, इस पर नहीं पड़ेगा। इस प्रकार 17/2 पावर 3 × यहाँ पे 5 की जरूरत हमें, तो 5 ले लेंगे और इस पर 0 दे देंगे। तो क्योंकि किसी भी संख्या पे 0 लेने पर, पावर आने पर, उसका मान क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो ये 1 ही यहाँ पे, ये 5 नहीं रहा, ये 1 है। ठीक है, लेकिन इस फॉर्म में हमें लिखना था तुलना करने पर, तो इसलिए मैंने इस तरह लिख दिया। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे नीचे में, अतः हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर 17/8 क्या है, 2 पावर m × 5 पावर n के रूप का है, अतः यह क्या होगा, शांत होगा। ठीक है, तो आपको नीचे लिख लेना है, हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 पावर m × 5 पावर n के रूप का है, अतः 17/18। ओके, यानी कि 17/18 यानी कि 17/2 पावर 3 आया ना, देखिए, अतः 17/2 पावर 3 क्या है, शांत है, क्या है, शांत। तो इस प्रकार ये आपका आंसर हो गया। चलिए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है 64/455। तो 455 का क्या करेंगे, हर का हम यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, यानी कि एलसीएम निकालेंगे। तो 91/3 में कटेगा, फिर ये 13/7 91 कटेगा, फिर ये 7 × 7 कटेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे लिखेंगे हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर अभाज्य, तो 455 का अभाज्य गुणनखंड क्या आया है, 5 × 13 × 7। ओके, इस प्रकार आया है। तो अब ये हमें बताइए, क्या ये एक शांत परिमेय संख्या है या अशांत है, बताइए। तो अब आप बोलोगे कि हर का गुणनखंड करने पर ये एक तो ऐसा टर्म आया है, एक डिजिट ऐसा आया है जो कि उस फॉर्म में है, जो कि 5 है, 5 पर पावर कुछ नहीं तो 1 है, यानी कि इस ये एक फॉर्म में तो है, तो हम इसे अशांत आवर्ती नहीं कहेंगे, अशांत अनावर्ती कहेंगे। क्या बोलेंगे, अशांत अनावर्ती। ओके, तो हम यहाँ पे क्लियर लिख देंगे कि हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 पावर m × 5 पावर n के अलावा अन्य, मतलब दूसरा संख्या भी आया है, अन्य संख्या भी आया है, अतः क्या होगा भाई, अतः 64/455 क्या होगा, अशांत आवर्ती नहीं, अशांत अनावर्ती होगा। ठीक है, समझ में आ गई बात, अनावर्ती होगा, यही हो गया आपका आंसर। बात क्लियर, आपको समझ में आ गया ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास 15/1600। तो यहाँ पे हर का आप यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो 2 से कटा 800 हो गया, फिर 2 से कटेगा 400 हो जाएगा, फिर 2 से कटेगा 200 हो जाएगा, तब तक काटना है जब तक कि 1 ना आ जाए। ठीक है, फिर 2 से कटेगा 50 आ जाएगा। ओके, फिर 2 से कटेगा 25 आ जाएगा, फिर ये 25 है, ठीक है 25, फिर ये 5 से कटेगा 5 25, फिर ये 5 से कटेगा 5 इकाई 5। ओके, तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड करने पर। ठीक है, तो हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर क्या आया भाई, हर क्या है हमारा 1600। ओके, तो करने पर क्या आया, 2 पावर कितना आया है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी 2 पावर 6 आया है, गुना 5 पावर कितना आया है, 2 आया है, कि 5 2 बार है तो 5 पावर 2 हो गया। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे हर का, चूंकि हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 पावर m × 5 पावर n के रूप का है, अतः 15/1600 क्या होगा, शांत होगा, अतः 15/1600 क्या होगा भाई, शांत होगा। क्यों शांत होगा भाई,
क्योंकि अभाज्य गुणनखंड जो है हर का 2 पावर m × 5 पावर n के रूप का है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन था 29/343। तो 343 के यहाँ पे मैंने एलसीएम निकाल लिया, यानी कि अभाज्य गुणनखंड मैंने निकाल लिया। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर, तो हर क्या था 343, इसका क्या आया 7 पावर, कितना आया 1, 2, 3। ओके, तो अब ये बताओ क्या 2 पावर m × n 5 पावर n के रूप का है? नहीं है, तो आप यहाँ पे क्लियर लिख दोगे नीचे। तो इस प्रकार आपको लिख देना है कि चूंकि हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 पावर m × 5 पावर n के रूप का नहीं है, अतः 29/343 क्या है अशांत आवर्ती होगा। तो यही आपका आंसर हो गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अब देखिए 6 नंबर में 23/2 पावर 3 × 5 पावर 2 दिया हुआ है, यानी इसमें अभाज्य गुणनखंड करने की बात नहीं है क्योंकि इसमें अभाज्य गुणनखंड पहले से किया हुआ है। तो यहाँ पे आप देखो, आप खाली 2 पावर m × 5 पावर n के रूप का है या नहीं। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे हर का अभाज्य गुणनखंड गुणनखंड 2 पावर m × 5 पावर n के रूप का है, क्योंकि आप क्लियर देख पा रहे हो के रूप का है, ओके। अतः 23/2 पावर 3 × 5 पावर 2 क्या होगा शांत होगा। तो यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं को नेक्स्ट क्वेश्चन 6 हो गया है। 7 देखते हैं, 7 में क्या है 129/2 पावर 2 × 5 पावर 7 × 7 पावर 5 यही दिया हुआ था क्वेश्चन हमारा। ओके, अब यहाँ पर देखिए हर का गुणनखंड इसके इसमें दिया हुआ है या नहीं। ठीक है, तो आप गौर से देखो। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने लिखा है हर का अभाज्य गुणनखंड करने अभाज्य गुणनखंड 2 पावर m × 5 पावर n के अलावा भी कोई संख्या है, क्योंकि 2 पावर यहाँ पे कुछ संख्या यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख सकते हो। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए और 5 पावर भी दिया हुआ है, तो इसके अलावा एक 7 दे दिया, 7 पावर समथिंग संख्या दिया हुआ है। ठीक है, 5 दिया हुआ है, तो अब ये एक इस फॉर्म में तो है, लेकिन इसके अलावा भी एक संख्या आ गया जो कि 7 आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ पे लिख लोगे कि इसके अलावा भी अन्य संख्या है, यानी कि दूसरा संख्या है। अतः 129/2 पावर 2 × 5 पावर 7 × 7 पावर 5 क्या होगा अशांत आवर्ती नहीं होगा, अनावर्ती होगा, अशांत अनावर्ती होगा। ओके, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ओके, कोई समझ में कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए देखते हैं 8। अब यहाँ देखिए 8 नंबर आप देख करके बता पा रहे हो कि देखते ही आपको लग रहा है कि इसका अभाज्य गुणनखंड जो है इसके फॉर्म में नहीं आएगा। ठीक है, 2 पावर m और 5 पावर n के रूप में नहीं आएगा, क्योंकि आप निकालोगे 15 का हर का क्या निकालोगे अभाज्य गुणनखंड, 3 × 5 = 15, 5 × 1 = 5। ठीक है, तो आप बोलोगे कि इसका जो है अभाज्य गुणनखंड जो है आया है 3 पावर 3 × 5 आया है, तो आप बोलोगे ये एक अशांत क्या है अनावर्ती है। लेकिन मैं बोलूँ कि ये एक अशांत नहीं, ये शांत है। वो कैसे, मैंने इसलिए बेसिक में ही बता दिया था, शुरू में ही बता दिया था कि ये एक परिमेय संख्या का है, ये एक परिमेय संख्या है ही नहीं, क्योंकि ये अभी p/q के रूप में अभी दिया हुआ है ही नहीं, इसका एचसीएफ निकालना कभी 1 आएगा ही नहीं आएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे 6 अपॉन, इसका कितना आया तोड़ने पर 3 × 5 आया ना, अब 6 को हम 2 × 3 लिख सकते हैं, अब 3 × 5 लिख सकते हैं। अब यहाँ से ये 3 कैंसिल हुआ कि नहीं, इसीलिए मैंने कहा था कि जब ये कट रहा है ऊपर नीचे तो आपको काटना है, काटने से क्या होगा ये एक परिमेय संख्या के रूप का हो जाएगा, ये एक परिमेय संख्या नहीं है p/q। ओके, अब लेकिन 2/5 क्या है, इसका एचसीएफ आप निकालोगे तो 1 आएगा, यानी कि ये जो है परिमेय संख्या के रूप में अब ये हमारा आ गया है। ठीक है, अब ये हमारा परिमेय संख्या के रूप में आ गया है, तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे, देखिए p/q ऐसा आपको लिखना नहीं, बस मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको दिमाग में दिया, तो सीधा सीधा आप लिखना। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर कह सकते हैं ना कि अतः यहाँ पर लिखेंगे चूंकि हर का देखिए 5 पावर कुछ नहीं तो 1 है। ओके, एक तो दिया हुआ है ना, हम लिखेंगे हर का अभाज्य गुणनखंड 2 पावर m × 5 पावर n के रूप का है, अतः 6/15 क्या होगा शांत होगा। देखिए क्वेश्चन को यहाँ पे आपको सोचना है कि ये कट रहा है तो आपको काटना है, क्योंकि आप कट रहा है नहीं है, काट रहे हो तो ये परिमेय संख्या है ही नहीं, अगर परिमेय संख्या है ही नहीं तो आप शांत अशांत कह ही नहीं सकते, बना ही नहीं सकते, सोल्व भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपको इस तरह आपको बारीकी से समझते हुए आपको यहाँ पे क्वेश्चन सोल्व करने हैं, वरना आपका गलती हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए 2/5 आया था ना, 2/5 को हम यहाँ पे रफली काम कर रहा हूँ, ये रफ में मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, 2/5
पाँच आया है, ठीक है। तो इस पर पावर कुछ नहीं तो वन, और दो पर पावर कुछ नहीं तो क्या है, जीरो हम लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि दो बटा पाँच था ना, इसको हम वन लिख सकते हैं। ओके, तो इस प्रकार दो पर पावर पाँच इंटू दो, दो पर पावर जीरो हम लिख सकते हैं और फाइव पर पावर वन लिख सकते हैं। तो अब ये हमारा देखिए नीचे ऊपर मान लीजिए एम संख्या दिया हुआ है, नीचे देखिए टू पर पावर एम इंटू फाइव पर पावर एन के रूप का है ना, तो इसके रूप में आ गया ये। ओके, तो अब ये मैंने रफली काम किया है आपको समझाने के लिए, ठीक है, अब आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन। अब यहाँ पर देखिए 35 बटा 50 है क्वेश्चन नंबर नाइन, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हर का यहाँ पे आबादी गुणनखंड करते हैं। ये कट रहा भाई, दो से कट रहा है 25, फिर ये पाँच से कट रहा है 25, फिर एक मरते कट जाएगा, एक आ जाएगा नीचे, छोड़ देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसका आबादी गुणनखंड करने पर क्या आया है, 50 का आबादी गुणनखंड करने पर क्या आया, दो पर पावर वन आया है और फाइव पर पावर टू आया, तो वन लिखने के ऊपर जरूरत नहीं है, अगर लिख देते हो तो गलत भी नहीं है, लिखना जरूरी वैसे नहीं होता है, ठीक है। तो इस प्रकार आप लिख दिए हो, अब ये बताओ क्या हमारा शांत है या नहीं। तो अब आप क्या कहोगे कि ये शांत है, लेकिन मैं कहूँ ये शांत नहीं है, वो कैसे, वो मैं अभी आपको बताता हूँ, ठीक है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आप बेसिक मैंने इसीलिए मैंने बताया था। अब देखिए ये क्या आया गुणनखंड के पर, दो पर पावर एक आया है यानी कि दो आया है, फाइव पर पावर दो आया यानी कि फाइव इंटू फाइव लिख सकते हैं, इस तरह हम लिख दिए तोड़ करके, ठीक है। अब यहाँ देखिए 35 को क्या लिख सकते हैं, सेवन इंटू फाइव लिख सकते हैं ना जी, सात पचे 35, नीचे क्या है दो गुना पाँच गुना पाँच। ओके, अब यहाँ से देखिए ये फाइव कैंसिल हो गया तो क्या हो गया, सात बटा दस। अब इसका एलसीएम निकालोगे तो ये पी बटे क्यू ग्रुप में है, इस क्योंकि इसका एचसीएफ वन आएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप सात बटा ये संख्या रखते आप तो इसका एचसीएफ वन नहीं आएगा, आप निकाल के देख लेना। देखिए मैं यहाँ पर मैंने निकाला था, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये 35 और 50 का एचसीएफ मैंने एचसीएफ निकाला तो ये पाँच आया एचसीएफ, पाँच नहीं वन आना चाहिए था, तभी तो ये परमेय संख्या होता, ठीक है। इस प्रकार अब आप सात बटा दस यानी सात और दस का एचसीएफ निकालोगे तो वन आएगा, ठीक है, आप निकाल लेना, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर मैं निकाल लेता हूँ सात और दस का, सात एक मरते में लगेगा, ठीक है, तीन आया, फिर सात, फिर तीन दूनी छः, फिर एक आया, एक तिया तीन, तो अब इसका एचसीएफ देखो वन आया ना, यानी कि अब ये पिवट क्यू के रूप में है, यानी अब हम कह सकते हैं कि ये एक शांत है। ओके, तो यहाँ पर लिख देना है अतः 35 बटा 50 क्या है, शांत है, शांत होगा या है आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट। चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट है 77 बटा 210। तो हर काम क्या करेंगे, आबादी गुणनखंड निकालेंगे, 210 काम यहाँ पर निकालते हैं। दो से कट रहा है 105, फिर दो से कट रहा है, सॉरी पाँच से कट रहा है, पाँच दूनी दस, पाँच इकाई पाँच, फिर तीन से कट रहा है, तीन सत्तर इक्कीस। ओके, फिर ये सात से कट रहा है, सात इकाई सात। तो इसका क्या आया है आबादी गुणनखंड 210 का, कितना आया है, दो गुना पाँच गुना तीन गुना सात, यानी दो और पाँच के अलावा भी आया है। तो हम इसे हम अशांत आवर्ती नहीं, अशांत अनावर्ती कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे चूँकि हर का गुणनखंड गुणनखंड दो पर पावर एम इंटू फाइव पर पावर एन के अलावा भी संख्या है, अतः यह एक अशांत अनावर्ती होगा। तो इस प्रकार आपको लिख लेना है कि चूंकि हर का गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड करने पर या फिर गुणनखंड करने पर भी लिख सकते हो, ठीक है, टू पर पावर एम इंटू फाइव पावर एन के अलावा भी अन्य संख्या आया है, अन्य संख्या है, अतः यह शांत सॉरी अशांत अनावर्ती का होगा। ओके, अब सो आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सो थैंक यू।